देश में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ हमेशा से विरोध किया जाता रहा है। ध्वनि प्रदूषण कितना घातक हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण उड़ीसा में देखने को मिला। जी हाँ, जब डीजे के तेज ध्वनि के चलते 21 वर्षीय एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। महंगा थाना क्षेत्र के बढ़ईपुर में बिदेई बाबा समारोह में जोर जोर से डीजे बजाया जा रहा था। डीजे की धुन पर नन्हे बच्चों के साथ युवक ने भी जमकर डांस किया। फिर अचानक ही वो युवक जमीन पर गिर पड़ा। युवक को आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बढ़ईपुर गांव के नरहरी सेठी के 21 वर्षीय पुत्र राजेंद्र सेठी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है, मगर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि डीजे की धुन पर थिरकना लोगों को बेहद पसंद आता है, मगर यही डीजे की धुन तब लोगों के जीवन के लिए श्राप बन जाता है जब हाई फ्रिक्वेंसी पर डीजे बजाया जाता है। यही कारण है जब डीजे के तेज धुन के चलते कई लोगों की जाने चली जाती है, मगर प्रशासन है कि चुप्पी साधे बैठी रहती है। प्रशासन डीजे को तेज धुन में चलाने पर क्यों नहीं कोई कार्यवाही करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है।